नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, एनटीपीसी में इंजीनियरों के लिए वैकेंसी आई है। देखते हैं डिटेल, एनटीपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या सरकारी रिजल्ट पर जाकर देख सकते हैं। एनटीपीसी के ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। इसमें जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं और बीटेक किए हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और 60% आपका बीटेक में एग्रीगेट होना चाहिए तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है। ब्रांच है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके अंडर भी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है, देखते हैं कि पहले क्या है पूरी डिटेल। तो एनटीपीसी लिमिटेड 55,786 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा विद्युत समूह है। दोस्तों ये महारत्ना कंपनी है एनटीपीसी, आप जानते होंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। 203 नंबर ऑफ वैकेंसी है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी है दोस्तों। विदाउट गेट है ये, ठीक है, पहली बार आई है विदाउट गेट। जब से गेट हो गया है इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए के साथ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में अभियांत्रिकी की डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियर। मैकेनिकल में देखते हैं कौन कौन से इसके अंडर के ब्रांच वाले जो हैं एलिजिबल हैं। मैकेनिकल उत्पादन, औद्योगिक इंजीनियरिंग उत्पादन एवं औद्योगिक इंजीनियरिंग, थर्मल मैकेनिकल ऑटोमेशन पावर इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंस्ट्रूमेंटेशन में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें होने का चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम रहते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस मांगा है, ये आपको मांगा गया है संबंधित क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव एवं अथवा सुपरवाइजरी संपर्क में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। विद्युत संयंत्र उपकरण एवं सहायक सामग्री के संचालन एवं रख रखाव, कमीशनिंग, इरेक्शन में अनुभव होना चाहिए। ऊपरी आयु 30 साल है। पे स्केल इसका बहुत अच्छा है, 50,000 से लेके 1,60,000 तक E2 ग्रेड है, ठीक है दोस्तों। देखिए सीट के बारे में बात करते हैं, कितनी सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी टोटल 75 सीटें हैं, जिसमें 37 जनरल के लिए, पिछड़े के लिए 21 है, अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए 11 है, अनुसूचित ST के लिए 6 है। मैकेनिकल में 39 सीटें हैं, जनरल के लिए 21 है, पिछड़ी के लिए SC के लिए 11, 5 है आपका ST के लिए, और टोटल है 76। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल देखिए ह्यूज, इतना अगर वैकेंसी दिया गया है तो समझिए बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल आपकी 26 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन के 26 वैकेंसी है, और टोटल 203 नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है दोस्तों, ठीक है। 102 जनरल के लिए, 56 आपका OBC के लिए, 30 SC के लिए और 15 ST के लिए। तो दोस्तों अगर आपका 3 साल का इलेक्ट्रिकल में एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके भर सकते हैं। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीटेक डिग्री होनी चाहिए, 60% आपका एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए, ठीक। भारत का नागरिक ही इसको भर सकते हैं। सभी योग्यताएं भारत में मान्यता प्राप्त एवं स्वीकृत विश्वविद्यालय से प्राप्त हो, ठीक है। अनुभव एक्सपीरियंस लेटर आपका लगेगा। जो इसकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, ये आपका दिया गया है 28 साल और मैक्सिमम 30 साल। आपका जो सामान्य कैटेगरी से है या पिछड़ी वर्ग से है तो 300 रुपये का प्रतिदेय पंजीकरण शुल्क देना होगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपनी फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, चालान, पे इन स्लिप केवल सामान्य एवं OBC के लिए लागू है को अपलोड करना होगा। सभी अटैचमेंट में और प्रत्येक अटैचमेंट 500 KB साइज की होनी चाहिए। तो इसकी अगर डिटेल आपको जानी है तो जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट से भी कर सकते हैं। आवेदन की जो डेट है 6/8/2019 से है और फाइनल डेट है आपकी 26/8/2019, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये जो आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इसमें 85% आपका वेट लिखित परीक्षा होगी, ऑनलाइन लिखित परीक्षा, और 15% आपका नंबर लिया जाएगा
इंटरव्यू से। तो दोस्तों रिटर्न एक एग्जाम होगा, उसका सिलेबस दिया है नोटिफिकेशन में, 85% आपका रिटर्न एग्जाम ऑनलाइन होगा और 15% इंटरव्यू। और एलिजिबल कब हैं आप? जब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो और बीटेक डिग्री हो जिसमें 60% आपका परसेंटेज हो। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, फॉर्म को फिल करिए और जाइए अच्छे से ये इसको, इसमें फाइट कम है क्योंकि एक्सपीरियंस वाले बच्चे कम हैं, ठीक है। और कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।